अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रूव दैट टैन इन्वर्स ऑफ योर 1/4 प्लस टैन इन्वर्स 2/9 इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/√5। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। क्या है वही सेम मेथड, LHS और RHS, क्योंकि प्रूव दैट दिया हुआ है टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई, फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, यही बेस है। देखते हैं करते हैं। LHS पार्ट लिया मैंने, क्या कहा, दिस इज योर टेन इन्वर्स ऑफ योर 1/4 प्लस टेन इन्वर्स ऑफ योर 2/9। ये क्या रूल लगा हमारा, दिस इज योर टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, दैट इज टेन इन्वर्स ऑफ योर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - x/5। कंडीशन आपको पता है, एक्स वाई शुड मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन 1 होकर के चलेगा। देखते हैं, ये टेन, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, अब वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज योर टेन इन्वर्स ऑफ योर 1/4 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाई 1 - 1/4 इंटू 2/9। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, टेन इन्वर्स ऑफ योर ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 + 8 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 936, 36 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, अब 36 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, टेन इन्वर्स ऑफ योर 9 + 8 हो जाएगा, दिस इज योर 17 और दिस इज योर 34, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1/2। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, टेन इन्वर्स ऑफ योर 1/2। ठीक है, इस वाले पार्ट को रेज कर देते हैं, टेन इन्वर्स ऑफ 1/2, क्योंकि हमें RHS में क्या दिखाना है, साइन इन्वर्स ऑफ योर 1/√5। फिर वही बात हम लेट लेके करेंगे, क्योंकि टेन इन्वर्स को साइन में कन्वर्ट करेंगे, लेट टेन इन्वर्स ऑफ योर 1/2 इज इक्वल्स टू अल्फा लिया, देन टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, टेन होता है थ्रू प्रॉपर ब्रस, राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके बेस पे, तो दिस इज योर अल्फा, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया मेरा 2, तो हाइपोटेनस कितना होगा, 2 का स्क्वायर, दिस इज योर √5, तो हाइपोटेनस हो गया मेरा √5। ना यू साइन अल्फा जो होगा, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर हो गया मेरा 1, हाइपोटेनस हो गया मेरा √5, तो साइन इनवर्स ऑफ योर 1/√5 इज इक्वल्स टू अल्फा। देखो ये आया, तो अल्फा हमने क्या लिया था, टेन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू अल्फा लिया था, तो वही सेम अल्फा जो है साइन इनवर्स ऑफ 1/5 हुआ, तो दैट मीन्स हम टेन इनवर्स 1/2 की जगह पे साइन इनवर्स 1/√5 वैल्यू डाल सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट योर RHS, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan inverse of your 1/5 - tan inverse of your 1/239। अब देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, बट इजी क्वेश्चन है, कोई ये नहीं है। क्या कहना चाहता है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है और कुछ नहीं है हमें। अब देखिए ये वाला पार्ट, 4 tan inverse of your 1/5, मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, 4 tan inverse of your 1/5, क्वेश्चन जो दिया है मैं पहले वो नोट डाउन कर लेता हूँ, टेन इन्वर्स ऑफ योर 1/239। ठीक है, अब ये 4 tan inverse of 1/5 को मैं कुछ इस टाइप का लिख सकता हूँ, 2 × 2 × tan inverse of your 1/5। अब देखिए माइनस टेन इन्वर्स 1/239। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या हुआ, 2 tan inverse x, हमें पता है फॉर्मूला, 2 tan inverse x जो होता है दैट इज योर टेन इन्वर्स ऑफ योर 2x डिवाइडेड बाई 1 - x²। ये फॉर्म है, तो x यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज योर x इज नथिंग बट और 1/5, हम लिखेंगे 2 × 2 tan inverse 1/5 को मैं ये वैल्यू डालूंगा, दैट इज योर टेन इन्वर्स ऑफ योर 2 × 1/5 डिवाइडेड बाई 1 - 1/5² माइनस टेन इन्वर्स ऑफ योर 1/239। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका टेन इन्वर्स
टू बाई फाइव डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 माइनस 1 दैट इज योर 24 डिवाइडेड बाई 25, 5 का स्क्वायर होगा 25, 24 माइनस 25 इज माइनस 10 इनवर्स ऑफ योर 1239। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 इन 2 ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 2 बाई 5 इंटू 25 बाई 24, 5 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट इज योर 12, 5 बाई 12 बचा क्या हमारे पास, माइनस 10 इनवर्स ऑफ योर 1239, तो ये बचा हमारे पास 2 10 इनवर्स 5 बाई 12 माइनस 10 इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 239। देखिए फिर यहाँ पे ये वही सेम रूल जो आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्म फिर से आ गया, ये 2 tan इनवर्स और फिर 5 बाई 12। अब कैसे यूज़ करेंगे इसको देखो, ये मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, दैट इज योर 2 tan इनवर्स ऑफ योर 5 बाई 12 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 239। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर से 2 tan इनवर्स x, तो फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी चीज़ को फिर से लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे इसको दैट इज योर tan इनवर्स x क्या हो गया 5 बाई 12, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 बाई 12, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद याद रहे ही है, 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 बाई 12 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 बाई 239। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, दैट इज योर 6 बचा क्या हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ योर 5 बाई 6 डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 144 माइनस tan इनवर्स ऑफ योर 1 बाई 239। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ योर 5 बाई 6 इंटू 144 ऊपर चला जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 119, 119 हाँ 119 ब्रैकेट ऑफ योर माइनस tan इनवर्स ऑफ योर 1 बाई 239। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या बनेगा, इसको मैं अगर 2 से काटता हूँ 2 3 जै 6, इसको 2 से काटता हूँ तो 72, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 3 2 जै 6 3 6 जै 12 बचा क्या हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ योर 5 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 119 ब्रैकेट ऑफ योर tan इनवर्स 1 बाई 239। बस ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन बेस थोड़ा सा ज़्यादा है और कुछ नहीं है। अब देखिए अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, अब क्या ये क्या हुआ, दिस इज योर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फिर से और एक आइडेंटिटी आ गया। अब देख लेते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा, आइडेंटिटी आपको और प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा सा देख करके चलना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, बाकी चैप्टर बहुत आसान है। तो ये आ जाएगा, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, दिस इज योर tan इनवर्स ऑफ योर, ये हो जाएगा 5 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 119 ब्रैकेट माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 239। यहाँ पे वही रूल, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, मैं लिख देता हूँ रूल, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या फॉर्म होता है हमारा, tan इनवर्स ऑफ योर x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये आएगा। अब देखते हैं, तो tan इनवर्स x मतलब ये हो गया, tan इनवर्स y मतलब ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये पोर्टल टोटल के लिए लिखेंगे, दैट इज योर tan इनवर्स ऑफ योर x क्या हुआ मेरा 26 इंटू 5 दैट इज योर 120, 120 डिवाइडेड बाई 119 माइनस y हो गया मेरा 1 बाई
डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स कितना है मेरा 120 डिवाइडेड बाई 119 इंटू 1/239। ठीक है, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्म जो आया ये मैं इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब देखते हैं इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं क्या बनेगा। एलसीएम लेकर के चलेंगे, दैट इज योर टेन इनवर्स। एलसीएम कितना होगा ये ऊपर वाले पार्ट को, दैट इज योर 119 इंटू 239। अगर ये 119 है तो ये हो जाएगा 120 इंटू 239 माइनस 119 होल डिवाइडेड बाई, ये वाले पार्ट को एलसीएम लेकर के चलेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 119 इंटू 239, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 119 इंटू 239 प्लस 120। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेशन को सॉल्व करके चलना पड़ेगा आपको। अब देखो 119 इंटू 239, ये पूरा और ये पूरा मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, ये बचा मेरे पास टेन इनवर्स ऑफ योर 120 इंटू 239 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 119 इंटू 239 प्लस 120। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 120 इंटू 39 तो ये आ जाएगा आपका 024। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 6 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 माइनस 119 डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9, 81, 1, 4 अगेन 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा दिस इज योर 2 प्लस 120। ठीक है, उसके बाद ये होगा टेन इनवर्स। अब इसको माइनस करेंगे, 10 से 9 गया 1 आ गया, ये हो जाएगा दिस इज योर 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और 8 ये हो जाएगा 2, 2, 8, 5, 6, 1 ओके डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाला पार्ट को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 एंड दिस इज योर 2। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमेटर सेम आ गया, 2, 8, 5, 6, 1, 2, 8, 5, 6, 1 ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज योर 1। तो आंसर हमारा क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ योर 1। अब उसने वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था हमें फाइंड द वैल्यू, तो दिस बिकेम्स योर टेन इनवर्स ऑफ योर 1 की वैल्यू हो जाता है टेन पाई बाई 4, सो टेन टेन वैनिश हो गया तो आंसर इज पाई बाई 4। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7।